बहुत सारी मस्जिदों में देखने में आया है कि 3 बजे जमात होती जुमे की, 3 बजे, 2-2.5 बजे आदत होती और 2:45 खुतबा होता, तो ये कहाँ तक सही है? अरे सही वक्त जो है तो वो 1:30 बजे का है। देखिए भाई ने सवाल किया कि कुछ मस्जिदों में नमाज जुमा बहुत लेट होती है, इसका क्या मामला? देखिए जुमा का वक्त शुरू होता है जहर के वक्त से और ख़त्म होता है जहर के वक्त पर, लेकिन जहर के लिए जवाल शर्त है, जुमा के लिए जवाल शर्त नहीं, लिहाजा जुमा जवाल के थोड़ा पहले भी कोई खड़े कर दे या जमात या खुतबा या अजान भी दे दे तो जुमा की हद तक एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल है, जुमा की हद तक सिर्फ जवाल से पहले भी अजान दी जा सकती है, जबकि जहर के लिए जवाल ज़रूरी है जुमा के लिए, और इसका खात्मा जुमा का जहर के साथ ख़त्म होता है। लेकिन अल्लाह रहम करे बहुत सारी मस्जिद में ये 3 तो कुछ भी नहीं है, आपने जो कहा 4:45 बजे भी जमात होती है जुमा की, 3 तो बहुत अव्वल है आपका, 4:45 बजे भी होती है कि अगर एक आदमी की जालना में जुमा छूट गई तो औरंगाबाद आके पढ़ के आराम से जा सकता है, इतना उसको टाइम मिलता है, इतना टाइम मिलता है ना। जैसा कि हमारे पास एक मस्जिद है क्रांति चौक पर, तो वहाँ हमारे दोस्त जब कॉलेज में थे वो कहते थे कि हम जब 11th 12th में थे और कभी जुमा हमारी जो है छूट जाती थी जालना में, 60 किलोमीटर है जालना से, सीधा हाईवे से आते थे यहाँ जुमा पढ़ के फिर जाते थे 4 बजे, अंदाज़ा लगाइए। जबकि गर्मियों के दिनों में सबसे आखिरी वक्त जहर का वो 3:54 है हमारे पास, सबसे औरंगाबाद के हिसाब से बात करूँ 3:54 आखिर गर्मियों में पीक, और सर्दियों में सबसे अव्वल वक्त 3:20 है। सर्दियों में तो ठीक है, गर्मियों में 3:20 टाइम है और 3:30 बजे जमातें खड़ी हो रही सर्दियों में, ये दिनों में 3:20 को असर चालू होती, तो असर के बाद खड़ी होती जमात किसकी? जुमा की। तो बहुत सी बार मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ आप जुमा और असर साथ पकड़ के निकल, मतलब पढ़ना जमा कर देना, इसलिए कि आप जुमा पढ़े आपने असर तो हो गई थी, एक और इकामत दे दी जाए और असर भी पढ़ के निकल जाओ, ताकि कि उसमें 2 फारिग हो जाते हैं, 4 बजे बाहर निकल रहे आप मस्जिद से। तो बहालत मजबूरी, हिंदुस्तान के हालात, और चूँकि मैं गैर मुस्लिम माहौल में हैं, देर से अगर जुमा की जाए किसी मजबूरी के तहत जायज़ है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, कंपनी छुट्टी वो टाइम पर है, ऑफिस वो टाइम पर छोड़ता है, गैर मुस्लिम नहीं समझ रहे ठीक है, तो लेट पढ़ना ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल लिहाज रखा जाए कि वो वक्त असर के अंदर ना चला जाए, तो जहर के आखिरी वक्त तक आप जुमा पढ़ सकते हैं, जो कि अलग अलग दिनों में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा औरंगाबाद के अतबार से 3:54 है, सबसे कम 3:20 है, आप देखें और उसके हिसाब से एडजस्ट करें। अव्वल वक्त में पढ़ना तो अफजल है, लेकिन कभी नहीं होता है ना, मैं जानता हूँ, जैसा कि अब आप वालू चले जाइए, कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ 2 बजे ऑफिस मशीनें बंद होती है और वो रोक नहीं सकते आपके लिए, 10-20 मुस्लिम वर्कर के लिए मशीन थोड़ी रोकी जा सकती है, तो लिहाजा जाहिर सी बात है अब ये वर्कर्स 2 बजे निकलेंगे ऑफिस से, तो 2:30 बजे की जमात थी, इनके लिए 2:15 के रखना पड़ेंगे, है ना, तो ये मजबूरियाँ, तो मजबूरी में पड़ता है तो जहर का लिहाज रखते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप असर में चले जाओ और फिर आपकी जुमा हो रही, उसका लिहाज रखते हुए बहालत मजबूरी पड़ी जाए लेट, तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है।